Hey guys and welcome back to my YouTube channel. Hope you all guys are doing very well. So as you guys can see on the screen, ये है 100 rupees का bone paper जो कि हर एक GDS candidate को बनवाना पड़ता है before the joining. So इस document को आप कैसे बनवाते हो, कौन सा form है जो आपको fill करना है, उसकी पूरी detail आज मैं इस video में दूंगी. So video को बिल्कुल skip मत करना. जितने भी GDS candidates हैं end तक देखना, ये video आपके बहुत काम की होने वाली है. सो लेट स्टार्ट. मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा फॉर्म, कौन सा बॉन्ड आपको दिया जाएगा, उसको आपको कैसे फिल करना है और फर्दर क्या प्रोसेस रहेगी. सो लेट्स सी. सो इस टाइप का एक फॉर्म आपको दिया जाता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से एफिडेविट के रूप में. जो कैंडिडेट मेरे पास उस दिन मेरे बीओ में मिलने आए थे, उन्होंने भी मुझे सेम पेपर दिखाया था और मुझे इंस्टाग्राम से भी दो तीन कैंडिडेट्स ने ये भेजा था कि मैम इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए. सो दैट्स वाई आई एम हेयर टूडे विद दिस बॉन्ड पेपर. सो सिंपली इसमें आपने कुछ डिटेल्स लिखनी है, देन ये सेम पेपर आपने लेके जाना है अपने कचहरियों में. वहाँ से आपने नोटरी का या मैजिस्ट्रेट का, जिनका भी उन्होंने बोला है, वो बनवा लेना है. उसके बाद वो जो फॉर्म बन जाएगा, देन उसको सबमिट कर देना है अपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, अपने SP को या फिर IP, जो भी आपको प्रेफर हुए हैं. देन आपने इसमें डिटेल्स क्या फिल करने हैं उसके ऊपर ज़रा ध्यान दे लेते हैं. तो एज यू कैन सी, आई आपका नाम आ जाएगा पहले, डू हेयरली सॉम, जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हो वो नीचे की तरफ है. फर्स्ट वन आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो, दैट आई एम परमानेंट रेजिडेंस ऑफ, आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे. देन सेकंड वन है आई हैव अरेंज फॉर माय रेजिडेंस, कि मतलब जो मेरा रहने का बंदोबस्त हुआ है, नोटेड एड्रेस जो यहाँ पे लिखना है, फेल टू रेजाइड इन प्लेस ऑफ ड्यूटी आफ्टर इंगेजमेंट, कि मतलब मैं वहाँ पे नहीं रह सकता आफ्टर इंगेजमेंट, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता. आई एम पर्सनली लायबल फॉर वॉयलेटिंग और कंडीशंस ऑफ इंगेजमेंट एंड लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर रूल 10 ऑफ GDS. तो जैसे कि काफ़ी सारे GDS कैंडिडेट्स हैं कि जो कहते हैं कि मैम हमारे घर के पास ही है 5 किलोमीटर्स या 30 किलोमीटर्स हैं, तो हम वहाँ पे रहना नहीं चाहते, हम रेगुलर अप डाउन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी करती हूँ. सो हम नहीं रहना चाहते हैं. इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको जस्ट यहाँ पे सिंपली कुछ डिटेल्स फिल कर देनी है. बट यहाँ पे आप लायबल हो, कल को अगर वहाँ पे कुछ भी दुर्घटना होती है, खुदा ना खास्ता वहाँ पे चोरी हो जाती है या डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है आपके, उसको कुछ भी नुकसान होता है, तो उसके जितने भी जिम्मेदार होंगे आप ही लायबल होंगे उसको, उसकी पूर्ति के लिए. देन थर्ड वन इज़ दैट आई एम नॉट अ मेम्बर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आप किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका हिस्सा नहीं हो, और पंचायत ऑल्सो नॉट एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी आउटसाइड एजेंसी विच वुड बी डिटरमाइंड बिजनेस और इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस, और आप बाहर किसी भी ऐसी एजेंसी के साथ काम नहीं करते हो जो बिजनेस करती है पोस्ट ऑफिस का ये इंटरेस्टेड. जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे मोबाइल शॉप वालों के पास भी काफ़ी सारी RDTD की सर्विसेज होती हैं, तो आप इस तरह की कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस में डील नहीं करते हो. देन फोर्थ वन इज़ आई एम ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई एम नॉट होल्डिंग एंड विल नॉट होल्ड एनी इलेक्टिव ऑफिस, मतलब इलेक्टिव ऑफिस मतलब इलेक्शन ऑफिस जो उनसे होते हैं, इवन आफ्टर इंगेजमेंट ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो आपकी लोकेशन है उसका नाम लिख देना है BO का, कि जब मेरी इंगेजमेंट मतलब मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद भी मैं नहीं होल्ड करूँगा फॉर द इलेक्टिव ऑफिस. देन फिफ्थ वन इज़ दैट आई हैव अरेंज अकोमोडेशन, मतलब मैंने अरेंज कर लिया है अकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस विलेज जिसमें आपका BO है, देन इन अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस आपका SO होता है, SO का जो भी नाम है वो लिख देना है. हैविंग डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कितने एरिया में है, एज़ पर नोटिस आपका जो रूम है वो 10x10 का होना चाहिए, आपका क्या डायमेंशन है वो आप फिल कर देंगे इन ग्राउंड फ्लोर फिलिंग अप स्टैंडर्ड मैंशन इन द नोटिफिकेशन. तो यहाँ पर जितना भी एरिया आपके ऑफिस का है वो लिख देंगे. देन सिक्स्थ वन इज़ दैट आई हैव एन एडिक्वेट इंडिपेंडेंस मीन्स ऑफ लिविंग हुड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली मेम्बर्स अदर देन TRCA, मतलब मैं पूरी तरीके से जो है अपने TRCA जो भी मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से पे आउट मिलेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, इसके अलावा मैं कुछ और भी काम करता रहूँगा, कि मतलब प्रॉपरली आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 घंटे का काम है तो इसको आप पार्ट टाइम समझ के ही करना, साथ में आप कुछ भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट उसके लिए आपको छूट देता है. बट हाँ, वो कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी या पंचायत वगैरह या किसी भी ऐसी एजेंसी के साथ ना हो जो पोस्ट ऑफिस का बिजनेस करते हों. देन सेवन्थ वन इज़ दैट नेटवर्क इज़ अवेलेबल इन BO अकोमोडेशन ड्यूली प्रोवाइडेड बाई मी फॉर इंश्योरिंग कनेक्टिविटी टू ब्रांच ऑफिस एट जो भी लोकेशन पर आपका ब्रांच ऑफिस है वो लिख देंगे, कि जो नेटवर्क आपको जो सिम दिया जाएगा आपका जो डिवाइस है और मोबाइल है वो प्रॉपरली नेटवर्क कनेक्ट होता है उसके बारे में लिखना है. देन सिक्स्थ वन
हमने किया है अभी 7th वन पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क, देन 8th वन दैट आई हैव नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और राइडिंग स्कूटर और मतलब इसमें बेसिकली आपका जो है साइकिलिंग का होना चाहिए, आपको अगर स्कूटर और मोटरसाइकिल भी चलाना आता है इट्स एडिशनल, अगर ये सब है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, साइकिलिंग के लिए आपका कोई लाइसेंस नहीं लगता है। 9th वन इज़ आई हेयर विद डिक्लेयर दैट अबव फैक्ट्स आर ट्रू, मतलब लास्ट में आप जस्ट ये कह रहे हो कि मैंने जो भी ऊपर डिक्लेयर किया है वो सब कुछ ट्रू है। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन माई एंगेजमेंट एज BPM, जो आपका BO है उसका लिख देना BPM आप कहाँ पे हो, कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम बाय द डिपार्टमेंट, अगर आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी ऊपर बॉन्ड में गलत पाई जाती है आने वाले टाइम में तो आपको कभी भी निकाल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, आपको कभी भी डिपार्टमेंट निकाल सकता है। देन यहाँ पे डिपोनेंट का मतलब होता है साक्षी। देन वेरिफिकेशन दैट आई हैव अबव सेड दैट माइन इज ट्रू एंड करेक्ट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब ऊपर दी गई जानकारी सारी सही है, देन आपने आपको साक्षी मानते हुए यहाँ पे साइन कर देना है प्लेस, जिस प्लेस से आप भर रहे हो, देन आपकी डेट, दैट्स इट, इतनी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। देन इस फॉर्म को लेके चले जाना है आपने नोटरी का बनवाना है, तो नोटरी का अगर आपको मैजिस्ट्रेट का कहा गया है तो मैजिस्ट्रेट का बनवाने के लिए लेके जाना है, देन वहाँ से वो कईयों का ग्रीन कलर का बनाते हैं कईयों का वाइट कलर का, तो उसको बनवाने के बाद सिंपली आपको जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे अपना करेक्टर सर्टिफिकेट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट उसके साथ इसको भी जाके अपने सबमिट कर देना है, और इसके साथ आपका एफिडेविट बॉन्ड पेपर 100 रुपीज़ का जो है प्रोसेस ख़त्म होता है। होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, क्या और डाउट्स हैं आपके उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, देखते बहुत लोग हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो, तब तक स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर टू ऑल द कैंडिडेट्स।